छोरा कांच कठे के पाड़ो पी गयो, छोकरे कांच कहाँ है कि पाड़ा पी गया। संदर्भ कथा। एक ठाकुर की आर्थिक स्थिति खराब थी, फिर भी टिमटाम से रहने का शौक था। कर्ज लेकर भी अपनी झूठी शान शौकत बनाए रखना चाहता था। अच्छा कलपदार साफा बांधने से बड़ा संतोष होता था। गांव में कांच मिलता नहीं था, दूर शहर जाने का मौका न मिला तो वे अंधे कांच के बदले दूसरा नया कांच नहीं ला सके। अंधे कांच में छाया जैसा ही धुंधला धुंधला दिखता था। मजबूरी जो न सुझाए थोड़ा है, एक साफ तगारी में पानी भरकर वे कांच की जस तस पूर्ति कर लेते थे। एक दिन उधार वसूल करने वाले दो चार बोहरे हाजिर हो रहे हैं, यह खबर विश्वस्त नाई ने सवेरे ही दे दी थी। नंगे सिर रुआब नहीं रहता। जोर से पुकारने पर नौकर हाथ जोड़े उपस्थित हुआ तो उसे हुक्म दिया कि कांच कहाँ है। वह झटपट कांच लेकर आए। तब लड़के ने भोलेपन से जो सही बात थी बता दी। झुक कर संकोच के साथ जवाब दिया, हुजूर कांच तो पाड़ा पी गया। तथा कथित बड़े आदमियों के व्यर्थ दिखावे पर कटाक्ष।